सवाल नंबर फर्स्ट, ऐसा कौन सा जानवर है जो भूख लगने पर अपने शरीर को खा जाता है? सही जवाब हो जाएगा चूहा। सवाल नंबर दो, क्या आपको पता है कि राष्ट्रपति भवन में कुल कितने कमरे हैं? दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। सही जवाब हो जाएगा कुल 340 कमरे। सवाल नंबर तीन, किस देश में रविवार की छुट्टी नहीं होती है? सही जवाब हो जाएगा यमन देश में। सवाल नंबर चार, ऐसा कौन सा जानवर है जिसे अपनी मौत के समय का पहले से ही पता चल जाता है? सही जवाब हो जाएगा बिच्छू। सवाल नंबर पांच, ऐसी कौन सी सब्जी है जिसमें सबसे ज्यादा आयरन पाया जाता है? सही जवाब हो जाएगा पालक। सवाल नंबर छह, ऐसा कौन सा देश है जहां सबसे अधिक सोने का उपयोग किया जाता है? दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लेना। सही जवाब हो जाएगा भारत। सवाल नंबर सात, किस देश में राष्ट्रपति का कार्यकाल केवल 1 वर्ष का होता है? सही जवाब हो जाएगा स्विट्जरलैंड में। सवाल नंबर आठ, किस देश को आइलैंड ऑफ फॉल्स के नाम से जाना जाता है? सही जवाब हो जाएगा बहरीन देश। सवाल नंबर नौ, किस जानवर का दूध गुलाबी रंग का होता है? सही जवाब हो जाएगा दरियाई घोड़े का। सवाल नंबर दस, सांपों का देश किस देश को कहा जाता है? सही जवाब हो जाएगा ब्राजील। सवाल नंबर ग्यारह, शरीर के किस अंग में रक्त नहीं पाया जाता है? सही जवाब हो जाएगा कॉर्निया में। सवाल नंबर 12, किस जीव की 5 आंखें होती हैं? सही जवाब हो जाएगा मधुमक्खी के। सवाल नंबर 13, 100 रुपए के नोट पर कितनी भाषाएं लिखी होती हैं? सही जवाब हो जाएगा 17 भाषाएं। सवाल नंबर 14, ऐसा कौन सा जानवर है जो सूरज को नहीं देख सकता है? सही जवाब हो जाएगा सुअर। सवाल नंबर 15, भारत की सबसे बड़ी ताजा पानी की झील कौन सी है? सही जवाब हो जाएगा बुलर झील। सवाल नंबर 16, गांधी जी के पहले भारतीय नोट पर किसकी तस्वीर छपी थी? सही जवाब हो जाएगा अशोक स्तंभ। सवाल नंबर 17, भारत के किस राज्य में कुत्ते का मंदिर है?
सही जवाब हो जाएगा छत्तीसगढ़ में। सवाल नंबर 18, मानचित्र में नदी को किस रंग से दिखाया जाता है? सही जवाब हो जाएगा नीले रंग से। सवाल नंबर 19, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? सही जवाब हो जाएगा 9 ग्रह। सवाल नंबर 20, ऐसा कौन सा देश है जहां पर एक भी पेड़ नहीं है? सही जवाब हो जाएगा कतर देश में। सवाल नंबर 1, वो कौन सा पक्षी है जो अपने आधे दिमाग को सुलाकर सोता है? सही जवाब हो जाएगा बतख। सवाल नंबर 2, क्या आपको पता है कि दुनिया की पहली घड़ी किस देश में बनाई गई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जर्मनी में। सवाल नंबर 3, दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक वाला देश कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा भारत। सवाल नंबर 4, किस फल को खाने से आंखों की रोशनी तेज होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कीवी फल। सवाल नंबर 5, बैडमिंटन खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2 खिलाड़ी। सवाल नंबर 6, भारत में सबसे ज्यादा चांदी कहाँ पाई जाती है? सही जवाब हो जाएगा राजस्थान में। सवाल नंबर 7, कौन सा फूल 100 साल में एक बार खिलता है? सही जवाब हो जाएगा नागपुष्प। सवाल नंबर 8, भारत में किसी को फांसी की सजा नहीं दी जा सकती है, यानी किस इंसान को फांसी की सजा नहीं दी जा सकती है? सही जवाब हो जाएगा गर्भवती महिला को। सवाल नंबर 9, किस भारतीय राज्य की 2 राजधानियां हैं? सही जवाब हो जाएगा जम्मू कश्मीर की। सवाल नंबर 10, मच्छर के मुंह में कितने दांत होते हैं? सही जवाब हो जाएगा 82 दांत। सवाल नंबर 11, पाकिस्तान का राष्ट्रीय फल क्या है? सही जवाब हो जाएगा आम। सवाल नंबर 12, जलेबी का आविष्कार किस देश में हुआ था? सही जवाब हो जाएगा ईरान में। सवाल नंबर 13, किस जानवर के मुंह में 14,000 दांत होते हैं? सही जवाब हो जाएगा मगरमच्छ के। सवाल नंबर 14, विश्व में सबसे कम जनसंख्या वाला
देश कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा वेटिकन सिटी। सवाल नंबर 15, विश्व में ऐसा कौन सा देश है जहां एक भी मच्छर नहीं है? सही जवाब हो जाएगा फ्रांस में। सवाल नंबर 16, भारत में कौन सा जानवर को खरीदना जुर्म माना जाता है? सही जवाब हो जाएगा शेर को। सवाल नंबर 17, कौन सा जीव है जिसके पेट में दांत होते हैं? सही जवाब हो जाएगा केकड़ा। सवाल नंबर 18, सोने की गाड़ी कौन से देश में चलती है? सही जवाब हो जाएगा सऊदी अरब में। सवाल नंबर 19, कंगारू के बच्चों को क्या कहा जाता है? सही जवाब हो जाएगा जॉय। सवाल नंबर 20, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? सही जवाब हो जाएगा बेकाल। सवाल नंबर 1, वह कौन सा फल है जो मीठा होने के बाद भी बाजार में नहीं बिकता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मेहनत का फल। सवाल नंबर 2, क्या आपको पता है कि वो कौन सी चीज है जिसे आदमी छुपाकर और औरत दिखाकर चलती है? दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पर्स। सवाल नंबर 3, मैं हूँ हरी, मेरे बच्चे काले, मुझे छोड़ मेरे बच्चे खाले। सही जवाब हो जाएगा इलायची। सवाल नंबर 4, वह क्या है जिसे हम खाते भी हैं और पीते भी हैं और जलाते भी हैं? सही जवाब हो जाएगा नारियल। सवाल नंबर 5, वह क्या है जिसका नाम लो तो वो टूट जाती है? सही जवाब हो जाएगा खामोशी। सवाल नंबर 6, ऐसी कौन सी चीज है जिससे बिना तोड़े इस्तेमाल किया जा सकता है? सही जवाब हो जाएगा अंडा। सवाल नंबर 7, एक आदमी पानी में गिर गया, अब बताओ वह कैसे बाहर आएगा? सही जवाब हो जाएगा गीला होकर। सवाल नंबर 8, ऐसी कौन सी चीज है जो बिना पैरों के लगातार चलती रहती है? सही जवाब हो जाएगा घड़ी। सवाल नंबर 9, वह कौन सा दान है जो अमीर हो या गरीब दोनों ही करते हैं? सही जवाब हो जाएगा मतदान।
सवाल नंबर 10, वह कौन है जो दूध और अंडे दोनों देता है? सही जवाब हो जाएगा दुकानदार। सवाल नंबर 11, वह कौन सी चीज है जिसके फटने से आवाज नहीं आती है? सही जवाब हो जाएगा दूध। सवाल नंबर 12, किस चिड़िया की आवाज सबसे मधुर होती है? सही जवाब हो जाएगा बुलबुल की। सवाल नंबर 13, फूलों की रानी किस फूल को कहा जाता है? सही जवाब हो जाएगा चमेली। सवाल नंबर 14, ऐसा कौन सा जीव है जिसके पेट में दांत होते हैं? सही जवाब हो जाएगा केकड़ा। सवाल नंबर 15, किस देश में वोट न देने पर जुर्माना लगाया जाता है? सही जवाब हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। सवाल नंबर 16, कौन सा जीव अपनी जीभ से सांस लेता है? सही जवाब हो जाएगा सांप। सवाल नंबर 17, किस देश में कूड़े कचरे से बिजली बनाई जाती है? सही जवाब हो जाएगा सिंगापुर में। सवाल नंबर 18, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? दोस्तों, आपने कितने क्वेश्चन का सही आंसर दिया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। सही जवाब हो जाएगा शाहजहां ने। सवाल नंबर 19, विश्व की पहली बार पुस्तक छापने वाला देश कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा चीन। सवाल नंबर 20, विश्व में कौन सा देश सबसे ज्यादा शिक्षित है? सही जवाब हो जाएगा कनाडा। सवाल नंबर 21, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? सही जवाब हो जाएगा 4 वर्ष। सवाल नंबर 22, बैसाखी त्योहार किस धर्म से संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा सिख धर्म से। सवाल नंबर 23, पक्षियों का राजा किसे कहा जाता है? सही जवाब हो जाएगा बाज को। सवाल नंबर 24, दुनिया में सबसे अधिक नापसंद करने वाली सब्जी कौन सी है? सही जवाब हो जाएगा करेला। सवाल नंबर 25, भारत के प्रधानमंत्री कौन है? दोस्तों, इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कमेंट करने से पहले #GKStudyAdda लगाना है।
सवाल नंबर 26, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है? सही जवाब हो जाएगा बुध। सवाल नंबर 27, भारत में सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? सही जवाब हो जाएगा हिंदी।